बात जयपुर की करते हैं, जहां पर राजस्थान में बोर्ड के विद्यार्थी अब पढ़ सकेंगे प्रसार भारती से। प्रसार भारती ने राजस्थान शिक्षा विभाग को दिया है फ्री स्लॉट। प्रसार भारती ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दिया है फ्री स्लॉट। राजस्थान के सभी 25 आकाशवाणी स्टेशनों में ये स्लॉट दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने की थी सूचना प्रसारण मंत्री से इसके लिए मांग। तो आपको बता दें, यहां पर सीएम की वीसी में एवन टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने भी यह मुद्दा उठाया था। लॉकडाउन के चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, एक निश्चित तौर पर राहत मिली कि स्टूडेंट्स को शिक्षा मंत्री के प्रयासों से मिली सफलता। राजस्थान में बोर्ड के विद्यार्थी अब पढ़ सकेंगे प्रसार भारती से। प्रसार भारती ने राजस्थान शिक्षा विभाग को फ्री स्लॉट दिया है। और आपको सबसे बड़ी बात यहां पर यह बताएं कि एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने यह मुद्दा उठाया था वीसी में, सीएम की वीसी में, और उसके बाद यहां पर यह फैसला लिया गया है। निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि हर जगह फिलहाल ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है और सभी जगह इंटरनेट नहीं है। इसके बाद निश्चित तौर पर उन छात्र छात्राओं को काफी यहां पर राहत मिलेगी। तो शिक्षा मंत्री के प्रयासों से यह सफलता मिली है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह जी, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं को काफी राहत मिलेगी। जी जी बिल्कुल। हेलो जी। जी 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 गोविंद सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर बात करें, जो फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं को काफी राहत मिलेगी इससे? बिल्कुल। देखिए, हमने काफी दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि दूरदर्शन और आकाशवाणी जो पब्लिक के सेक्टर के हैं, ये कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं थी, और वैसे भी आरटी के तहत अनिवार्य जो शिक्षा है वो निःशुल्क हम सबको केंद्र के कानून के मुताबिक सारे स्टेट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हमको निःशुल्क स्लॉट दिया जाए। तो जावड़ेकर जी को हमने भी चिट्ठी लिखी, सतीश पूनिया जी से भी आग्रह किया, और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री जी को लिखा, और उसका प्रभाव ये हुआ कि हमें केवल दूरदर्शन पे नहीं बल्कि आकाशवाणी के ऊपर अभी तक जो है वो 55 मिनट प्रतिदिन जो है वो 1 मई से लेकर 30 जून तक का स्लॉट 25 रेडियो जो स्टेशन है उनके लिए मिला है। हमने तैयारी कर ली है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए, विभिन्न तरह के कार्यक्रम और शिक्षा सामग्री कंटेंट्स हम ने कलेक्ट कर लिए हैं, और जल्दी 1-2 दिन में एमओयू करके और हम लोग बच्चों तक रोजाना 55 मिनट तक इस दूरदर्शन के माध्यम से हमारी जो सामग्री है, जो कंटेंट्स हमारे पास में है, उनको शिक्षा देने के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, क्योंकि शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट्स को तो इसका फायदा मिलेगा, उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट की सेवा पहुंच नहीं पाती है, वहां के छात्रों को तो काफी राहत मिलेगी इससे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रेडियो पहले रेडियो ही था, आज तो इतने चैनल आ गए, पहले रेडियो और दूरदर्शन ही होता था जिसके माध्यम से देश और दुनिया की घटनाएं और जानकारियां मिलती थी। आपने देखा होगा गांव में बैठे बैठे लोग बीबीसी लंदन को जो है बीबीसी सुनते थे, और जिस प्रकार से रेडियो का अपना बड़ा महत्व होता था, और आज के बच्चे भी रेडियो को बड़े चाव से, क्योंकि ये चैनल्स के बाद में रेडियो से सुनना उनको एक अलग अच्छा लगता है और समझ में भी ठीक आता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, राज्य सरकार की एक बेहद बड़ी उपलब्धि हमने ली है, और इससे एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अन्य स्टेट्स को भी इसका लाभ मैं समझता हूँ अब मिलने लगेगा, ये हम सोच के चलते हैं।
जी चलिए, इस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना बड़ा फैसला लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर जुड़े हुए थे और एक बड़ा फैसला लिया है। और आपको ये भी बता दें कि एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी ने सीएम की वीसी में यहाँ पर ये क्वेश्चन किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रसंज्ञान में लिया और उसके बाद ये पूरा मामला हुआ है। और उसके बाद निश्चित तौर पर अब छात्र छात्राओं को काफ़ी राहत मिलेगी। चलिए।